very much for this overwhelming and very emotional speech done by Lord Krishna. Bless you. You're a very strong person. According to me, ये छक्का है जुड़ा कि ये तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, but you know, technically मैंने इसको तो अपने ज्वेल्स बनाया है, you know, जब तो सड़क पे बस मैं ये सोचता हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर सोशल मीडिया में जो आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको कोई गंदा कमेंट कर रहा है, you know, a lot of people भी आप इनसे you should delete the dirty comments and all, मैं कभी वो delete नहीं करता, because मैं ये सोचता हूँ कि अगर किसी ने एक मैसेज टैग किया है गंदा, तो उसने अपने आप को अपने जीवन के 60 सेकंड्स दिए, तो आप उसकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो, तो हर नेगेटिव चीज को अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हो, यू नो लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल डार्लिंग, यू नो यू नो यू डोंट नीड टू शेड दिस टीयर्स, यू आर ब्यूटीफुल, गॉड हैज मेड यू परफेक्ट. हम जानते हैं यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, इन सबकी एक एक कहानी है, मेरी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, हम सबकी कहानी है, ओके. और स्ट्रेंथ, हम जो जैसे हम एलजीबीटी कम्युनिटी की बात करते हैं, अगर हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे हम अपने खुद ताकत है, ओके. सो फॉर मी रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इज कमांडेड. सो उस पे मैं कहना चाहूंगा दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी इंस्पिरेशनल. मे बी यू नो यू वर रेज्ड इन टू अ सिटी वेयर एक्सेप्टेंस वाज लिटिल स्लो, बट वी आर गेटिंग देयर. आप भी मेरे को 377 की बात कर रही थी ना, लाइक सेक्शन ये भी है, हट रहा है. I think it's beautiful. Or you were born naked, you will die naked. You know, he was talking about his ex-boyfriend. You know, we all have got our affairs and all. But I think you have to. एक इंसान जो हमारी जिंदगी में आता है, कोई inspiration है, एक सीख देके जाता है. इससे लोग कहते हैं उसने मेरे को use कर लिया. For me, कोई किसी को use नहीं कर सकता. हम allow करते हैं लोग हमें use करें. ये मेरा मानना है. So Salma, I know that you not shed your tears more now. मैं जब-जब सफेद को देखती हूँ ना, मुझे वो जिंदगी की याद, इतनी स्टोरी याद आती है. ऐसे ही दिन गुजरे थे, ऐसे ही रात गुजरी, ऐसे दिन गुजरे सर पे नहीं. मैंने सब पल्लू किया जगह, अगर से कफन लग जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छा. मगर समय ने सफ़ेद बहुत बड़ी प्रेरणा समाज को दी है. सफ़ेद से ये प्रेरणा हासिल करें आपको, आपसे बस यही निवेदन है. संदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से अपने समुदाय की तरफ से बहुत बड़ी क्वालिटी. हर ट्रांसजेंडर के लाइफ में जो लव का मतलब होता है, LOVE, हर ट्रांसजेंडर के, मैं समझ जान दीजिएगा यहाँ पे, हर ट्रांसजेंडर के लाइफ में जो लव का मतलब होता है, L stand for land of sorrows, O stand for ocean of tears, V stand for value of death, E stand for end of life, you know. For us, love is all about that. So in that note, you know, मैं थोड़ा माहौल को हल्का करना चाहूँगा यहाँ पे, और मैं इस co-producer जो हैं हमारे मिस्टर चपर मेहंदी जी, और मतलब यहाँ पे हैं चपर जी हैं, ललित जी, चपर जी ने बहुत काम किया है गणपत अलीगढ़ इतनी सारी सरब जी सारे मूवी को संजय जी के साथ co-produce किया है. बड़े सी के I think one of the Also, now I would like to call the main part of the movie, just हमारे दिलों को छुआ है. The I think the editing is something which is very important of anything what we do. I would like to call Rahul Raniwal over here. Rahul, where are you? And along with that, the associate director Mansi. Where is Mansi? Rahul ji, please say something. क्या बोलूँ बस. संदीप सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा काम करने के लिए. Mansi, would like to say something. You know, I just told you, you were being a strength of the surface. You know, what was your being journey? How did you feel after seeing the movie? Always have his part. So and yeah, Safed is, I think I was destined to do it. It was my destiny to be a part of it, and I'm so grateful, I can't even tell you. It's been a journey, and I'm so happy the film is out finally, because
not just me, the team has done tirelessly work. And it's been 2 years of roller coaster ride. I'm really, really happy to be a small part of it. Thank you, Mansi. I think Meera has really gathered all her strength and energies and persona with beauty. I think she's ready to, face my strong questions, Meera. Safed has been a very, very difficult subject, and playing a role, what you played over there was not, I'm sure it was not a very cakewalk for you, but you have to tell me your experience, your mood, how did you transform yourself into a widow? And though it was a lot of script must be coming to you and you must be refusing a lot of script, why Safed? Rohit, first of all, thank you for supporting her with so much oxygen. You've been a constant support for us. Safed, मुझे लगता है कुछ ऐसा करना चाहिए जिसको देख के मजा आए, जिसको करके मजा आए. I always feel like that. And I feel that cinema is such a powerful medium to say something, to give something, so that people get influenced. When Salman Khan does Derina, the whole world does their hairstyle. And they start knowing that. When Shah Rukh Khan wears a jacket, the whole world goes and buys the same kind of jacket. So cinema is that medium. So India has so many untold true stories that needs to be told, and people like Sandeep are very busy. So when that script came to me, I was taken aback. I was shocked. I was silent for a very long time because I could not believe what I just read. And for me, there was not even an iota of doubt in my mind that I don't want to do it, because I knew the message the film was saying. So I wanted to do it, but the only concern was, will I be able to do justice to this role? Because it was something that I had not come across, or I had not seen a widow like that. But Sandeep's conviction was strong. He had a very strong conviction. He just told me that you agree and Kali is my responsibility. I agreed and Kali was Sandeep's responsibility. It took me days when I started shooting to get into the soul of Kali, because she has a very complicated soul. When you go at a very young age, when you go through something so painful, I don't know how to show that on screen. Because pain dikhana bahut mushkil hai. So that was the only difficulty I had doing Kali. And Sandeep helped me. I just held his hand and I just stayed through, because he exactly knew what he wanted. And Rohit, when you meet people like Salman, a lot of people like Salman on the set in Banaras. They are not here. I wish they would not be here. जब तुम इनकी स्टोरी सुनते हो ना, तुम तुम्हारे अंदर एक और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें करना है, हमें अच्छा करना है, और कोई करे ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, but we want to do it. And that's the zeal I got when I met Salman and everybody in Banaras, that I want to do it and I want to do it with full conviction. Now, I don't know if I did justice or not, but I tried my best. तो मैं इसपे एक बात बोलूँगा, जो तुम अधूरी अधूरी बातें करती हो उसे संदीप पूरा कर देता होगा यार. So I understand this. I understand the whole journey what you all must have gone through. And in this world of man and beast, I think few people love the least. People call them rough and wild. At times they feel like an unwanted child. People seem to detest them, hate. देखिए, आई थिंक ये सफ़ेद जैसी जो अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ फिल्म
ही नहीं है, वो एक ब्लेसिंग होती है जो किसी एक्टर की लाइफ में होती है, उसको मिलती है। और मुझे इतनी यंग एज में, और मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि मैं शुरू कर पा रहा हूँ अपनी जर्नी, क्योंकि मैं आई बिलोंग फ्रॉम पानीपत हरियाणा, और बाहर से कोई भी इंसान, कोई भी आउटसाइडर एक्टर बनने के लिए आता है तो उसको एक इच्छा ज़रूर होती है कि वो एक हीरोइक फिल्म करे। और मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज़्यादा हीरोइक फिल्म कोई मिल भी सकती थी, और शायद बनी भी होगी, क्योंकि डेफिनेशन एक्चुअली सबकी अलग होती है कि किसके लिए क्या हीरोइक है, किसके लिए नहीं। बट मेरे लिए रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर्स, एंड आई बिकम वन विद द हेल्प ऑफ सलमा, बिकॉज शी हेल्प्ड इन द वे आई वॉक्ड, आई टॉक्ड, एंड हम लोगों ने साथ में खाना खाया। सफ़ेद ने मेरे को सिर्फ एक्टिंग किया अप्रिसिएशन ही नहीं, मेरे लिए एक बेस्ट फ्रेंड भी दी है सलमा के नाम पे, और आई थिंक मैं इस ब्लेसिंग को लेके हमेशा अपने दिल के करीब। मैम, आपसे काली के लिए आई थिंक सबसे चैलेंजिंग चीज़ ये थी कि वो एक स्टीरियोटिपिकल रोल नहीं था, और मैं एक स्टीरियोटिपिकल हीरोइन का किरदार नहीं निभा रही थी, और मेरे पास कोई काली जैसी रेफरेंस पॉइंट भी नहीं थी, कोई ऐसी यंग विधवा जो मेरे आसपास रहती हो, बिकॉज विधवा का कॉन्सेप्ट हमारे देश में, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, और कोई विधवा नहीं होता, एक दो तीन शादियाँ हो ही जाती हैं। बट अभी भी छोटे शहरों में जाओ तो ऐसी विधवाएं हैं जिनको मैं पर्सनली नहीं जानती थी, तो मेरे लिए वो बहुत डिफ़िकल्टी थी कि एक यंग विडो का पेन कैसे दिखाऊं, और एक यंग विडो कैसा सोचती है, और वो ऐसी ज़िंदगी जीने में मजबूर भी कैसे हो जाती है, वो एक्सेप्ट कैसे कर लेती है कि अगर मेरा पति मर गया तो मैं एक ऐसी ज़िंदगी जीऊँ जिसमें कोई रंग ना हो, जो सफ़ेद हो, जो जिसमें जिससे तुम्हारे से, जिसको तुम कहती हो एक लाइफ, वो लाइफ छिन जाए। तो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ वो था कि उस पेन को कैसे पोर्ट्रे करूँ। काफ़ी दिनों तक कर भी नहीं पाई थी क्योंकि पता ही नहीं था, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट पेन, एंड वही एक वहीं पे एक डायरेक्टर, एक बहुत ही सुशील डायरेक्टर वहाँ पे काम आता है, यू नो, संदीप ने इतना अच्छा रिसर्च किया हुआ था सफ़ेद पे कि ही लिटरली हेल्ड माई हैंड, and he everywhere where I was faltering, everywhere where I was becoming Meera when I was supposed to become Kali, he was showing me the way to move forward. So I think this was the most challenging part about Kali. Ma'am, aap se puchh rahi hoon ki aapki jo life shuruaat se difficulties, jo hamare samaj itni kadvi cheeze bolti hai wo sun sun ke aap abhi itne journey, aapne jo safar tay karke aaye ho, आपको जब पता चला आप पे डॉक्यूमेंट्री होने जा रहे हो, संदीप सर का जिस तरीके से उन्होंने आपके स्टोरी को सबके सामने रखा है, तो आपको क्या लगता है आज समाज वो चीज़ देख के कुछ अपने अंदर सुधार करेगी, या वैसे ही उनका जैसे पहले बर्ताव है अभी भी वैसे ही कर रहे हैं? फिर से पूछो, मैंने क्या बोला आपने भी लास्ट में, क्या बोला आपने भी? मैंने ये कहा है कि जैसे समाज इतनी सारी चीज़ें बोलती है, और ये मूवी के थ्रू आपको क्या लगता है ऑडियंस इस चीज़ को देख के अपनी सोच को बदल पाएगी कि नहीं? देखिए, मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों से कहना चाहती हूँ, बिल्कुल बदलेंगे, नज़रिया बदलेंगे, सोच बदलेंगे, फैमिली अपनी सोच को बदलेगी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी जितनी भी फैमिली के रिलेशन्स हो सब बदलेंगे, मगर सफ़ेद के माध्यम से। सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद, एक विधवा के जीवन में जैसा सफ़ेद रंग होता है ना, वैसे हमारे लिए भी पूरी ज़िंदगी सफ़ेद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत पिछड़े थे, दबे कुचले थे, संदीप सर ने वो दबे कुचलों को उठाने की कोशिश की है। जैसा कि मेरे साथ कोई बैठता नहीं, मेरे साथ दोस्ती में इस तरीके से, जैसे आज मीरा मेरे साथ बैठी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे समीर बैठे हैं, ऐसा कोई समाज का व्यक्ति नहीं कि जो मेरे साथ बैठता हो। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे साथ समीर, मेरी डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आया, वो मैं उसका बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ, इससे तो एक क्वालिटी आएगी। अब भाई मेरे को देख के सीख रहा है, मीरा मेरे साथ बैठ के मेरे साथ दोस्ती है, बातचीत कर रही है, कि एक क्वालिटी है, ये मुख्य धारा में जुड़ने की एक जरिया है, ये समाज को एक मुख्य धारा से ले जाने का एक रास्ता है।
सफ़ेद ही एक मुक्त धारा में ले जाने का रास्ता है। सफ़ेद रियल दिखा रही चीज़ें दिखा रही है कि हमारे से होता क्या है, कैसा हो रहा है, वैसा वो दिख रहा है। हमें सबने आधा छोड़ दिया, भगवान ने आधा छोड़ा, माँ ने जो जन्म, जो 9 महीने पेट में रखी जो जन्म देती है उसने आधा छोड़ दिया, जो पिता जो अपने रिलेशन से मुझे पैदा करता है वो पिता छोड़ देता है, वो फैमिली छोड़ देती है, तो समाज को हम क्या कहें, वो समाज को हम कैसे कहें, वो समाज को कैसे दर्शाएं, वो समाज को कैसे हम बताएं। यही एक माध्यम है सफ़ेद जिसको हम बता सकते हैं। हमारे पास एक हमारे बड़े से बड़े एग्जांपल हमारे साथ संदीप सर, समीर, बरखा, हमारे साथ अभय, मीरा, ये है सबसे बड़ा एग्जांपल। इससे देख के पूरे देश को सीखना चाहिए, सोच और नज़रिया अपनी बदल दे। हमें तो रास्ता चलते हिचड़ा छक्का, गुड़ है रे मामू है, ऐसे वैसे हमें अलग अलग नज़र चीज़ देता है, मगर अब क्या होगा मेरे जीवन का, कैसे होगा। तो हम चाहते हैं कि जो सफ़ेद जो मूवी आई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसको समझें, उस डॉक्यूमेंट्री में आप समझें, आप मूवी देख के आगे ना बढ़ा दें कि यार ये 1000 मूवी आती है ये भी आप बढ़ा दें, नहीं उसको सोचें तभी क्वालिटी होगी। हम चाहते हैं कि हमारे ट्रांसजेंडर आत्मनिर्भर बने, और अब जब वो जो आधा आधा है ना वो सफ़ेद पूरा कर देगा। यार सबसे पहले तो ये मेरी डेब्यू डॉक्यूमेंट्री है, कोई भी सबसे पहली, इट्स माय फर्स्ट जॉब एंड आई वांटेड दिस माय फर्स्ट जॉब बिकॉज यार लोग डायरेक्टर्स जब बनना सोचते हैं ना कि मैं डायरेक्टर बनूंगा या मैं एक्टर बनूंगा, तो मैं या तो किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ आना चाहूँगा या मैं किसी बड़े एक्टर के साथ आना चाहूँगा। पर मेरे लिए ये डॉक्यूमेंट्री इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि मैं किसी रियल इंसान के साथ आना चाहता हूँ, और शायद हम चारों में से या हम जहाँ अभी यहाँ पे हम जितने लोग बैठे हैं हम सब में सबसे ज़्यादा रियल ये इंसान है। तो उससे ज़्यादा और मैं क्या बना, मैं वो मुझे इंस्पायर ज़्यादा किया, शायद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो, किसी दिन अगर मुझे ऐसा बनना हो और मैं बन के ऐसे बैठ सकूँ, मेरे में वो हिम्मत नहीं है, पर वो उनमें हिम्मत है, वो हम सबको यहाँ पर इंस्पायर कर रहे हैं, वो मुझे इंस्पायर किया कि यार जब वो इंसान खुद को संभाल के चार लोगों चार कैमरे के सामने बैठा है तो हम तो यार बहुत नॉर्मल है, हम अपनी बात क्यों नहीं कर सकते थे, हम उनकी बात क्यों नहीं कर सकते। बस यही एक रीज़न था डॉक्यूमेंट्री बनाने का, और मैं बस चाहता था कि उन लोगों की आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे। फिल्म आर वेरी ईजी मीडियम टू ट्रांसलेट व्हाट यू वांट टू से एंड इट आई यूज्ड इट दैट्स ऑल। सर इस टाइप को बहुत सारे पिक्चर बना है, जैसे अक्षय कुमार से लेकर अमिताभ को बहुत सारे लोग किरदार निभाए हैं, इस पिक्चर में मतलब उम्मीद है कि बेटर हो, कुछ अच्छा है, लोगों को उजागर करे। आप एक कॉन्सेप्ट कब आपको दिमाग में तक कॉन्सेप्ट फिर से बनाएंगे, पिक्चर बनाने के कॉन्सेप्ट। सर कॉन्सेप्ट वो होता है ना जो आप सोचते हो आप फिक्शनलाइज करते हो, पर जो रियल है आप उसको सोचोगे क्या। ये मेरे लिए बहुत ईजी था मैं कहूँगा, क्योंकि मेरे सामने पूरा पूरा एक कैरेक्टर, एक इंसान, एक उसकी पूरी लाइफ, एक कहानी थी, मुझे बस तो रिकॉर्ड करना था। तो इस चीज़ का हीरो या इस चीज़ की क्रेडिबिलिटी मेरी है ही नहीं, इस चीज़ की क्रेडिबिलिटी, इस चीज़ का सारा क्रेडिट सब और सब सलमान का है कि उसने अपनी लाइफ मुझे दी। मैं हमेशा शायद थैंकफुल रहूँगा सलमान को, सलमा को लेकर कि यार उसने अपनी ज़िंदगी मुझे दे दी एज अ न्यू कमर। क्या प्ले कर रहे हैं आप, अपने बारे में बताएं। सर मैं बहुत लकी हूँ जो अपने पहले ही रोल में ट्रांसजेंडर का किरदार मैं निभा रहा हूँ, बिकॉज बाकी सब चीज़ों के बारे में बहुत बोला जाता है समाज में, लेकिन बहुत ऐसी एक कम्युनिटी है जिसके बारे में लोग बोलना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते। और मैं जैसा अभी बोल भी रहा था, आई थिंक ये सफ़ेद फिल्म ही नहीं है, मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग की चीज़ है, बिकॉज कोई अब इंसान अगर अपना दुख शेयर करता है तो वो एक बहुत ही दिल से आती है वो चीज़, क्योंकि सुख तो शब्द शेयर कर लेते हैं, एक दुख की बात होती है जब कोई बड़ी बात होती है कि कोई अपना दुख शेयर करता है। आई थिंक मेरे लिए वो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे लिए जुड़ गई थी, और अगर आप इस टाइम में 21st सेंचुरी में इस समाज में रहते हुए अगर आप किसी ऐसे कम्युनिटी का आवाज़ बन सकते हो जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वही ये समाज में जो बैलेंस लाने की कोशिश में रहता है। तो बस मैं एक बात हो जाती है, बचपन से इनको काफ़ी चीज़ें सुनने मिलती हैं, तो जब
जब आपने इनकी लाइफ सुनी, जैसे आपने कहा कि काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें, क्योंकि हम एज अ नॉर्मल इंसान हम काफ़ी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, काफ़ी स्ट्रेस लेने लगते हैं लाइफ में, तो हम नॉर्मल नहीं है फर्स्ट ऑफ़ यस वी आर नॉट नॉर्मल पीपल, वी आर द मोस्ट अबनॉर्मल पीपल. तो वॉट यू कि ये फिल्म क्या मैसेज ऑडियंस को दे रही है, एट लास्ट क्या कह रही है ऑडियंस? देखो मैसेज तो बहुत सिंपल है, जो मैसेज बहुत सिंपल है, जो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि हमें ऐसी मूवी करनी चाहिए और मैसेज देना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, अब ये नौबत आई हुई है बिकॉज हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, आई वुड नॉट से इंडिया, द एंटायर वर्ल्ड हैज़ बिकम सो डर्टी. मेरे को सच में घिन आती है जब मैं सोचती हूँ कि हमने एक सोसाइटी ऑफ पीपल को ऐसे जीने के लिए मजबूर कर दिया. व्हाई आर वी जजिंग देम सो मच? व्हाई आर वी नॉट लेटिंग देम लिव अ नॉर्मल लाइफ? व्हाट हैव दे डन? यू नो आई एम टायर्ड ऑफ सेइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन. व्हाट इज़ देयर फॉल्ट? व्हाट हैव दे डन? व्हाई आर वी डूइंग दिस टू देम? सो द ओनली मैसेज इज लेट देम लिव. जीने दो लोगों को, जीने दो. जो इस दुनिया में पैदा हुआ उसको जीने दो, उसको जज मत करो. सो फॉर मी सफेद इज दैट सिंपल मैसेज, लेट पीपल लिव विद लव, दैट्स ऑल. एंड आई थिंक वो लोग, आप लोग इससे ज़्यादा कुछ चाहते हो कि आपको प्यार मिले, आपको लोग जीने दें? मैं यही कहूँगी अपने समाज के लोगों से, अपने सभी भारतवर्ष के लोगों से, देश विदेश के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि सीखना है तो अभय, मीरा, बरखा, संदीप सर और समीर से और संदीप सर और इन लोगों से सीखिए कि प्यार कैसे दिया जाता है, दोस्ती कैसे निभाई जाती है और इक्वलिटी कैसे आती है, इनसे सीखो. आखिरी सवाल से आओगे कि आपसे, आप कितना चैलेंज रहा आपके लिए किरदार निभाने के लिए, और रियल लाइफ में आपकी लिंक कुछ समाज से या कुछ आपके दोस्तों, इसके लिए क्या कुछ करना चाहते हो आप रियल लाइफ में? देखिए आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए सिनेमा ही है, क्योंकि मैं एक एक्टर बनने आया हूँ, और अगर मुझे एक्टिंग में ही ऐसा मौका मिल जाए कि मैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो अगेन मतलब इससे बड़ी तो कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती है मेरे लिए. जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, तो जब आप एक बहुत बड़ी चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं तो चैलेंजेस उसके साथ आते ही हैं, और हर चीज़ का जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं तो वैसे ही सफ़ेद के भी हैं. और मैं बस थैंकफुल हूँ उस चीज़ का कि मैं उस जिम्मेदारी को निभा पाया, अगर मैं निभा पाया हूँ तो. नहीं 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 नो नो प्रॉब्लम. आई वाज जस्ट कंक्लूडिंग ओनली दैट आई होप आई एम, आई फुलफिल्ड माय ड्यूटी एंड आई थिंक अब जो बॉल है वो सोसाइटी के कोर्ट में, तो बस वो लोग अच्छे से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें. एंड मेरा मैम आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले आपकी फिल्म आई थी सेक्शन 375 राइट, इसके बाद आया सफेद, आगे का क्या प्लान है आपको ऐसी फिल्में या फिर इससे हटके कोई फिल्में ऐसी करनी है, मैसेज रहे ऑडियंस के लिए? ऐसी फिल्में करनी है जिससे मैं कुछ बोल सकूँ, ऐसी ही फिल्में करनी है सो दैट आई कैन फील प्राउड ऑफ माई वर्क. टुमारो व्हेन आई गेट मैरिड, व्हेन आई हैव किड्स, दे फील प्राउड ऑफ माई वर्क. मुझे स्टीरियोटिपिकल हीरोइन का काम करना ही नहीं है, बहुत बड़ी बात बोलूं लेकिन करना ही नहीं. थैंक यू सो मच.